क्यों ऐसी कारण स्थिति इस तो परिस्थिति हुई कि आपको एम्बुलेंस से लोग को भेजना पड़ा? अंधेरी ईस्ट में जो हमारी प्रकाशवाड़ी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर 398 मेंबर है और उनके सभासद चुन के देने वाले इन उम्मीदवार को है। अब दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे वयोवृद्ध जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कमकोर दृष्टि वाले हैं या बेड पे है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि उनको वोटिंग करना है सोसाइटी के लिए लेकिन वो जा नहीं पा रहे। तो हमने इस बारे में इस प्राधिकरण को, सहकार डिपार्टमेंट के प्राधिकरण को, हमने गए महीने में लेटर दिया कि आप सोसाइटी के कैंपस में ही इलेक्शन लगा लो जिससे सोसाइटी का हर सभासद जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की, जो प्राधिकृत अधिकारी सहकार डिपार्टमेंट का आनंदा पाटिल, उन्होंने अपनी मनमानी करके यहाँ से 500 मीटर के दूरी पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है जो कि यह इलेक्शन सोसाइटी का है। वो आज मुंबई थाना पिंपरी चिंचवड़ एसआरए का जहाँ पे भी होता है सब जगह कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है और कैंपस में रखने से बहुत लोगों को सुविधा होगी और सोसाइटी के मेंबर, ये कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है कि आमदार खासदार नगर से होकर है, सोसाइटी लोग इच्छुक रहते हैं कि हमारे कैंडिडेट आवे और हमारे यहाँ पे जो गटर मीटर वाटर की समस्या है, सुख सुविधा जो है, इसलिए वो लोग खुद इच्छुक होते हैं जो सभासद है। लेकिन दिक्कत है कि प्राधिकृत अधिकारी ने अपनी मनमानी से जो किया हुआ, इसके लिए मैं हमारे जो राज्य मंत्री है अतुल सावे जी और वलसे पाटिल जी है, जो महाराष्ट्र शासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आनंदा पाटिल के ऊपर तो कार्रवाई करो ही, लेकिन इस कैंपस का कोई तो लॉ लाओ जिस लॉ में है कि उसी कैंपस में वहां पे इलेक्शन लगाया जाए जिससे लोगों, मतलब ये उम्मीदवार जो है वो अच्छे सोसाइटी के मत से अच्छे वो चुन के आ जाएंगे। सर ये भी जानना चाहूंगा कि जब ऐसी स्थिति होती है पूरे मुंबई के अंदर एसआरए की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके नाम पे रूम है या फ्लैट है उनकी उम्र ज्यादा होती है, क्या आप एक समाज सेवक का आप ऐसी पहल करेंगे कि भाई अगर ये व्यक्ति उम्र ज्यादा है या बीमार है तो जिसको उसने नॉमिनेट किया है कम से कम वोट दे दे क्योंकि खासदार का इलेक्शन तो है नहीं? बराबर, तो ऐसा कुछ पहल आप करना चाहेंगे? या इस बारे में भी हमने लेटर दिया था कि जो बीमार है उनकी जगह पे उनका जो है वारस जो होगा, वारिस है, वो खुद कर सकता है लेकिन उसके लिए भी कोई तरतूद नहीं है। ये सहकार डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उन्होंने ये सीधा सीधा जवाब दिया हुआ है, इसके ऊपर भी लॉ आना चाहिए। सर ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ काफी लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं, क्या जिस जो पहल आप कर रहे हैं बहुत अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए ऐसी, उन लोग ने आपका सहयोग दिया? वैसे तो दोनों पार्टियों की, मतलब जो हमारे विरोध में जो खड़े हैं उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने भी गाड़ियाँ वगैरह रखी है। हमने यहाँ पे एम्बुलेंस इसके लिए रखी क्योंकि कोई कोई पेशेंट ऐसे है कि वो लोग ना रिक्शा में बैठ पा रहे तो कोई वो, मतलब बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, इसके लिए हमने उन्हें एम्बुलेंस रखी है, वो लोग ने गाड़ियाँ वगैरह रखी है। ऐसे कितने लोग थे जो कि आप 300 से ज्यादा यहाँ? हाँ, फ्लैट्स हैं तो अनुमान कितने? तो पेशेंट और बूढ़े लोग कम से कम तो 25-30 के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी लिफ्ट से आना, फिर वो चल भी नहीं पा रहे हैं और मैंने देखा कि कुछ लोग उठा के उन्हें एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, तो अगर बाय चांस ये नहीं मान, मतलब मान तो नहीं रहे हैं, कोई आप कानूनी कार्रवाई या पुलिस कंप्लेन ऐसा कुछ विचार है या आपकी किसी पार्टी के जरिए आप कुछ करना चाहेंगे? अभी तो 2024 का इलेक्शन लगने वाला है, सबसे बड़ी तो दिक्कत हुआ है। इलेक्शन के बाद हम इसके ऊपर तो सावे जी को मिलेंगे हम और इस बारे में हम निवेदन देंगे कि जल्द से जल्द उसी कैंपस में इलेक्शन होना चाहिए, ये कोई तो लॉ लाओ करके, नहीं तो आंदोलन, उग्र आंदोलन हम हमारी पार्टी की तरफ से कर लेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि जब भी इलेक्शन दूर हो रहा है या जो जिनकी उम्र है दूर या इलेक्शन 500 मीटर दूर हो रहा है तो इसके पीछे कुछ धांधली हो सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है? उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। जैसे आनंदा पाटिल जो प्राधिकृत अधिकारी यहाँ पे, वो खुद यहाँ पे जगह पे उसने बोला था हमको वीडियो भेजो और ये हमारी जो बिल्डिंग है उसको लग के एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, तो वो हमने वीडियो भेजा, उनको यहाँ पे बुलाया गया, उनको हमने बकायदा लेटर दिया और लेटर देने के बावजूद भी उन्होंने इतने दूर रखा, खुद आए नहीं, हमारे लेटर को कोई वैल्यू दी नहीं और 500 मीटर में दिया, इसका मतलब है कोई तो उनको मैनिपुलेट करना है, उनको कुछ तो प्लानिंग करना है या सामने वाले से कुछ तो लिया होगा उन्होंने, वन साइड काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आखिर आप कुछ और बोलना चाहें? अगर
बस हम स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे कि कैंपस के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो माड़ा के हो, एसआरए के हो, एमएमआरडी के, जिसके कहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, तो वो इसी कैंपस के बिहाफ में ये होना चाहिए। और ये तो पहला मुद्दा था। दूसरा हमारा ऐसा है कि जितने बुजुर्ग लोग हैं और वारिस लोग हैं उनको अथॉरिटी देना चाहिए कि उनका इलेक्शन हो, या फिर इलेक्शन के जो प्रतिनिधि लोग जो है वो लोग जाकर उनके घर पे वोट ले लेवे, ऐसा कोई लॉ लगे। मैंने देखा सर कैसे बुजुर्ग लोगों को एम्बुलेंस लेके जाया जा रहा था, इनकी परिस्थिति नहीं थी चलने की भी, तो बहुत ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, जितना दूर नहीं रखना चाहिए लॉजिकली अगर देखा जाए तो। क्या कहना चाहेंगे? तो इसके ऊपर कुछ होता है, कोई हादसा होता है ऐसे इन अधिकारियों की वजह से, तो इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाए और इनको तो जेल में डाला जाए, ये हमारी एक और मांग होगी। दस पांचाल है, मैं इस प्रकाश वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं बचपन से हिंदी रह पाऊँ। आज जो इलेक्शन इन्होंने रखा है इतना लंबा, शायद कितना फुट रखा हो याद नहीं, अभी मेरे को वहाँ से चल के जाने कैसा मैं जाऊँ, मेरे को यहाँ से सीढ़ी उतरने होता नहीं, तो इलेक्शन का वोट देने में कैसा जाऊँ। जो हमारे जो पदाधिकारी जो अनदर पार्टी है उनको मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे बाजू में बिल्डिंग है वहीं इधर तो चल सकते कोई भी, यहाँ जाके मैं वोट डाल के आऊँगा, तो उन्होंने हाँ बोला। हाँ बोलने के बाद मैं फिर देखा तो उन्होंने उधर बुक कर दिया, उधर बुक करने पहला माला चलने का कैसा सर, मेरे को उतरने के टाइम पे उधर से चलने होता नहीं, बोला तुम्हारा मजल को वोट देना नहीं ना, इसका मतलब वो कोई पार्टी से मिला हुआ है, तो उनको लग गया बीमार आदमी है, हैंडीक्राफ्ट आदमी आवे नहीं, तो यहाँ के कमेटी के मेंबर है वो लोग आवे नहीं ताकि इनको वोट मिले नहीं और ये लोग जीते नहीं। वानेला पाटिल अपोजिट पार्टी से मिला हुआ है तो उनपे बहुत बहुत कार्रवाई हो जाए। बस ये जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, कृष्णानंद पाटिल ने यहाँ के रहवासियों को बहुत मिसगाइड किया है और उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी खींचे गर्म किए गए तभी उसने ये किया, नहीं तो वो क्यों करता। कोई अपने निजी स्वार्थ के बगैर कोई कुछ करता नहीं है, उसमें उसका खुद का स्वार्थ है और इसका मैं उसका विरोध करता हूं और उन पे कार्रवाई होना चाहिए। एक आनंदा पाटिल एक ही है कि जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर करके आए थे, जिन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करना चाहिए उन्होंने कोई भी नहीं किया है और अपनी मनमानी हमारे विरोध के पार्टी से मिलकर हर मनमानी उनके तरीके से उन्हें की है और वो इसलिए आज हम ये भुगत रहे हैं। बस आनंदा पाटिल जैसे ऑफिसर ही है जिसके कारण ये सब करप्शन हो रहा है, जो कुछ लापरवाही हो रही है, सोसाइटी सिक्स से नहीं चल रही है और पब्लिक को जो दुविधा हो रही है, तकलीफें हो रही है, ऐसे ऑफिसर के कारण हो रही है। इसके लिए सरकार कोई ना कोई कानून लावे, जिस तरह नवीन जी ने कहा उस तरह एक बुजुर्गों के लिए एक सर्टन एज नक्की किया जाए कि 80 के प्लस रहेंगे उनको घर में इलेक्शन किया जाए या उनके एक वारस को नॉमिनेशन है तो उसको इलेक्शन के लिए बस वही है। ये एक मांग है और ऐसे एक आनंदा पाटिल जैसे भ्रष्ट ऑफिसर को एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के न बिठावे, दूसरी बात उनको निकाला जाए या इतना एटलीस्ट सरकार कुछ कर सके, उनको निकाला जाए, उनको निकालेंगे। ये हमारी ऑलरेडी काफी कंप्लेंट है हमारे बिल्डिंग की और आनंदा पाटिल का कंप्लेंट जिस दिन से वो एडमिनिस्ट्रेटर करके आए उस दिन से उनके काफी सारी फाइल बनी हुई है, इवन उनके बॉस लोग भी जानते हैं, तो एटलीस्ट उस पर कार्रवाई की जाए, जैसे मैंने बोला था कि सरकार से है। जो अभी भरत भाई ने जो बताया, जो जितने भी दिक्कतें बताई है या बलवंत जी ने बताया कि सरकार तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई नया जीआर लाए, उस घटना के अंदर कोई तर्तुद ऐसा करे कि सोसाइटी के कैंपस में तो रखना ही जरूरी है और दूसरे जो बुजुर्ग लोग हैं और बाकी लोगों के बारे में कुछ विचार किया जाए और उससे तुम उनके मतलब वारिस को है या पेशेंट के बारे में कुछ तो सुविधा कीजिए, जैसे उनके अधिकारी घर घर जाके वहां से वोटिंग उनका करके ले।